नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायोजर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट एंड डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेक्स डिटरमिनेशन। सो सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है? इट इज डिटरमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल फिनोटाइप और सेक्सुअल फिनोटाइप। तो मेल है कि फीमेल है, जो मैकेनिज्म से डिसाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स क्या है? सेक्स इज अ सेक्सुअल फिनोटाइप, मतलब जिसमें मेल जेनिटालिया या फिर फीमेल जेनिटालिया प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स। तो अभी ये दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन इज कॉल्ड एज डायोशियस, अनदर इज कॉल्ड एज मोनोशियस। तो मोनोशियस या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। तो मोनोशियस ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट। तो दूसरा नाम है मोनोशियस का बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। तो आप याद रख सकते हैं मोनो में दोनों, मतलब मोनोशियस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। डायोशियस में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे। तो डेफिनेशन देखो क्या है, द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश इज टर्म एज सेक्स डिटर्मिनेशन। सो जो मैकेनिज्म से सेक्स डिटरमाइन होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। जो मैकेनिज्म से सेक्स एस्टैब्लिश होता है, इससे समझेगा मेल है कि फीमेल है। सो द टर्म सेक्स इज रिफर टू द सेक्सुअल फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जेनिटालिया से भी समझेगा, एज वेल एज दे हैव द डिफरेंट गोनाड्स। ओके, गोनाड्स इज अ गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। उसके बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बायसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट और मोनोशियस ऑर्गेनिज्म या फिर डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। अभी बाय मतलब टू, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस, मोनो इज वन, शियस इज आउट। तो यहाँ पे देखो क्या है डेफिनेशन, इन सम स्पीशीज बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, सो इट इज डिस्क्राइब एज बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज अर्थवर्म। अर्थवर्म हैज बोथ टेस्टीज एज वेल एज ओवरीज। तो अर्थवर्म इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। नाउ इन केस ऑफ द डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, दैट ऑर्गेनिज्म आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, सो इट इज डिस्क्राइब एज डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल इज ह्यूमन। सो आइदर ह्यूमन में देर विल बी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और देर विल बी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये सेक्स डिटरमिनेशन का थोड़ा बैकग्राउंड थ्योरी हम लोग देखते हैं। सो देर इज अ साइंटिस्ट, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट कॉल्ड एज एच हैंकिंग। ओके, क्या नाम था उनका? एच हैंकिंग। यू कैन सी द फोटोग्राफ ओवर हियर। सो दैट साइंटिस्ट ही वाज स्टडिंग ऑन अ स्क्वैश बग। दिख रहा है ये स्क्वैश बग, जिसका साइंटिफिक नेम है अनासा ट्रिस्टिस। तो ये स्क्वैश वर्क के ऊपर ये काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे? हैंकिन, इनका नाम है हैंकिन। और ये स्क्वैश बग बग के स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर फॉर्म कर रहे थे। ओके, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। सो ही वॉज स्टडिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इन स्क्वैश बग। और उन्होंने क्या नोट किया कि 50% स्पर्म रिसीव द अनपेड क्रोमोजोम एंड 50% द स्पर्म डू नॉट रिसीव इट। मतलब कुछ कुछ 50% में अनपेड क्रोमोजोम है और कुछ कुछ 50% में वो अनपेड क्रोमोजोम है ही नहीं। तो उनको पता नहीं था वो क्या है एग्जैक्टली। तो उन्होंने वो जो
प्रेजेंट आ राइट, जो जो कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट आ उसको उन्होंने नाम दिया एग्ज बॉडी। ओके, क्या नाम दिया उसको? एग्ज बॉडी। लेकिन फिर वो एग्ज बॉडी क्या है, उसका रोल क्या है एक्स एक्स डिटरमिनेशन में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिकॉज अभी वो क्रोमोसोम के बारे में कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो देखो दो स्टेटमेंट क्या है, जर्मन बायोलॉजिस्ट, क्या नाम है जर्मन बायोलॉजिस्ट का, हैंकिन, इन 1891 ओके ही वाज स्टडिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ द स्क्वैश बग। ये देखो स्क्वैश बग का फोटो मैंने यहाँ पे डाला है। तो उन्होंने क्या नोट किया, द 50% स्पर्म रिसीव अनपेड क्रोमोसोम एंड 50% क्रोमोसोम डिड नॉट रिसीव इट। तो ये हेनकिन ने उनको नाम दिया एक्स बॉडी, लेकिन उसका क्या रोल है वो उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सो लेटर ऑन एक्स बॉडी इट वॉज डिस्कवर्ड एज एक्स क्रोमोजोम। सो एक्स बॉडी इट वॉज द नेम विच इज गिवन बाय द हेनकिन राइट, हेनकिन ने नाम दिया था एक्स बॉडी। ओके, और उसके वजह से ये जो नाम पड़ा क्रोमोसोम को उसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम। सो ये बहुत सारे इंसेक्ट में ये पाया गया है, मतलब ये मैकेनिज्म दिखा है, और जिसको बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, एक्सओ सेक्स डिटरमिनेशन, एक्स एक्स एक्सओ सेक्स डिटरमिनेशन। सो दैट इज वेरी वेल ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। तो ये एक्सओ एक्स एक्स सेक्स डिटरमिनेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन का, वो है सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट, और ये जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स एक्सओ मेथड। उसका एग्जाम्पल जो है वो है ग्रास हॉपर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको अगर आपने स्लाइड पे देखा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन डाला नहीं है बिकॉज ये जो जितने भी सेक्स डिटरमिनेशन है एक्स एक्स एक्सओ या फिर ह्यूमन बींग का एक्स 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 वाई, जेड 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 डब्ल्यू, तो ये आप अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके वजह से मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है। तो ये जो एक्स एक्स एक्सओ मेथड है जो ग्रास ओवर में दिखता है, यहाँ पे अगर आपने देखा ये फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास ऑटोजोम का पेयर है और सेक्स क्रोमोजोम का पेयर है। तो ये सेक्स क्रोमोजोम क्या है फीमेल में, एक्स एक्स, मेल में भी क्या है ऑटोजोम का पेयर है, लेकिन उनके पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है राइट। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली ऑटोजोम का पेयर में से हर एक क्रोमोजोम सेपरेट होगा, तो यहाँ पे आएगा ऑटोसोम का जितने भी पेयर है उसमें से एक, दैट इज वन पेयर इज गोइंग, वन इज गोइंग टू एंटर ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो ये ए ए है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 22 पेयर है, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आएंगे 22, यहाँ पे आएंगे 22, मतलब जितने भी क्रोमोजोम है उसके हाफ हाफ आ जाएंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है ए। सो ए प्लस एक्स, इधर भी क्या आएगा ऑटोजोम का पेयर में से एक क्रोमोसोम और एक्स। ओके, तो जितने ऑटोसोम है उतने क्रोमोसोम, जितने पेयर है उसमें से उतने क्रोमोसोम हर एक गैमेट्स में आएंगे। तो ये जो गैमेट फॉर्म हो रहा है फीमेल में, ये फीमेल का जो गैमेट है दैट इज कॉल्ड एज एग। एग में देखो क्या है, सिमिलर गैमेट है ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स। अगर आपने मेल में देखा, मेल के पास फिर से ऑटोसोम का पेयर है और एक्स एंड ओ है, दैट ओ इज इक्वल टू नो क्रोमोसोम। तो इसके वजह से देखो मेल में दो टाइप के गैमेट मिल रहे, एक है ए प्लस एक्स और दूसरा है ए प्लस ओ, मतलब 50% गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम है और 50% गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो ये स्पर्म को हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोगैमेटिक। तो यही ऑब्जर्वेशन हेनकिन ने देखा था, याद है हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, हेनकिन ने यही ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो स्क्वैश बग था उसमें 50% है एक अनपेड क्रोमोसोम दिखेगा और 50% में वो अनपेड क्रोमोसोम एब्सेंट था राइट। तो ये गैमेट्स है, तो इसका पॉसिबिलिटीज है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये मैंने यहाँ पे पुनेट स्क्वायर से दिखाया है जो आपको इजी समस्या है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस एक्स है एंड ए प्लस एक्स दैट इज अ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या है यहाँ पे ए प्लस एक्स एंड ए प्लस ओ। तो जब भी ए एंड एक्स एक्स एक साथ आएंगे मतलब दैट इंडिविजुअल बिकम फीमेल, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है दैट इंडिविजुअल ऑल्सो बिकम फीमेल। और ये कंडीशन में अगर आपने देखा इधर का ए तो आपको यहाँ पे मिल गया ऑटोजोम का पेयर,
देन यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ओ, मतलब एक ही एक्स क्रोमोजोम है मेल में, तो दैट, और एक ही एक्स क्रोमोजोम है वो इंडिविजुअल में, तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा मेल। तो अगर आपने ओवरऑल देखा, यहाँ पे 50% ऑफ चांसेस है फीमेल होने का, सो देर वुड बी 50% फीमेल, राइट, एंड देर वुड बी 50% मेल। आर यू गेटिंग दिस? मतलब यहाँ पे मेल या फीमेल होने का चांसेस है वो कितना है, 50-50% है। ओके, वो कितना है, 50-50% है। तो ऑब्वियसली हियर देर आर इक्वल चांसेस है टू बिकम मेल और फीमेल। तो ये था हम लोग का पहला मेथड जो है XX XO मेथड, बिकॉज फीमेल इज हैविंग टू एक्स क्रोमोजोम एंड मेल इज हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोजोम। तो दूसरा जो मेथड है वो है XX XY मेथड, और ये जो मेथड है वो पाया जाता है ड्रोसोफिला में, दैट इज अ फ्रूट फ्लाई, और ह्यूमन बींग में, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यू कैन मेक आउट ये फीमेल है, यहाँ पे मेल है। फीमेल में कितने क्रोमोजोम है, ऑब्वियसली 46 क्रोमोजोम, तो यहाँ पे 44 ऑटोजोम है और दो एक्स क्रोमोजोम है। मेल में भी क्या है, 44 ऑटोजोम है और एक्स क्रोमोजोम है एक, और दूसरा क्रोमोजोम है वाई। तो मेल में दो अलग अलग क्रोमोजोम है। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे, तो फीमेल गैमेट में ये 44 का हाफ है, 22 ऑटोजोम्स आएंगे और एक्स क्रोमोजोम आएंगे। तो जितने भी गैमेट फॉर्म हो रहे, ऑल द गैमेट्स आर सिमिलर। सिमिलर मतलब क्या है, उनके पास ऑटोजोम का नंबर भी उतना है और एक ही एक्स क्रोमोजोम है। तो सच गैमेट, सच ओवम, सच एग, ओके, उसको बोलते हैं होमोगैमेटिक। होमो का मतलब क्या है, सिमिलर, द गैमेट्स आर सिमिलर, तो उसके वजह से उसको बोलते हैं होमोगैमेटिक। मेल में अगर आपने देखा, मेल में क्या है, 44 ऑटोजोम है प्लस एक्स वाई है। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो देर आर 22 ऑटोजोम एंड वन एक्स क्रोमोजोम, और यहाँ पे क्या है, 22 ऑटोजोम एंड वन वाई क्रोमोजोम। तो यहाँ पे जो स्पर्म हो रहा है, दैट स्पर्म इज कॉल्ड एज हेटरोगैमेटिक, बिकॉज स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टू वेज, या फिर देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस। कौन से दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म है, यहाँ पे एक स्पर्म के अंदर है 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम और दूसरे स्पर्म के अंदर क्या है, 22 प्लस वाई क्रोमोजोम, राइट। तो ये स्पर्म को बोलते हैं हेटरोगैमेटिक, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज मेल हेटरोगैमेटी। मतलब मेल क्या करेगा, अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर से पुनेट्स कर यूज किया है सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो जहाँ पे जब भी जहाँ पे भी 22 प्लस 22 तो ये 44 हो जाएगा, जो हर एक स्क्वायर में दिख रहा है, और जहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोजोम है दैट इंडिविजुअल बिकम फीमेल। यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल, जहाँ पे एक्स एंड वाई एक साथ आ गया तो दैट इंडिविजुअल बिकम मेल। तो अगेन यहाँ पे क्या है, देर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग फीमेल एंड मेल। तो फीमेल का कितना परसेंटेज है, यहाँ पे 50% वुड बी फीमेल एंड 50% वुड बी मेल। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे 50-50% चांस होने का है, एक तो मेल या फिर फीमेल। तो ड्रोसोफिला में भी ऐसे ही है, बिकॉज ड्रोसोफिला में भी क्या है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोजोम है और मेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम है। तो ड्रोसोफिला का ऑब्वियसली ऑटोजोम का नंबर अलग होगा, राइट। ड्रोसोफिला में देर आर एट पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ऑब्वियसली तो ये ऑटोजोम का नंबर वहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये है सेक्स डिटरमिनेशन का दूसरा मेथड, दैट इज एक्सेस एक्स वाई मेथड। जो थर्ड मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोजोम का नाम उन्होंने बदल दिया है और यहाँ पे उन्होंने उनको क्रोमोजोम को मेंशन किया है जेड 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 डब्ल्यू। और ये जो जेड 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 डब्ल्यू मेथड है, जो बर्ड्स में पाया जाता है, जो फाउल में पाया जाता है, राइट, तो ये बर्ड्स में ये मेथड दिखेगा। यहाँ पे देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये मेथड का। अगर आपने देखा जो फीमेल है उसका क्रोमोजोम देखो क्या है, ऑब्वियसली ऑटोजोम का पेयर, और यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम देखो जेड एंड डब्ल्यू। मेल में क्या है, ऑब्वियसली ऑटोजोम का पेयर, और यहाँ पे क्या है, जेड जेड। तो जब भी गैमेट्स फॉर्म होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, गैमेट के अंदर ए प्लस जेड,
मतलब ऑटोसोम का पेयर में से एक और जेड, और यहाँ पे आएंगे ऑटोसोम के पेयर में से एक क्रोमोसोम, जितने भी ऑटोसोम है उनमें से हर एक में से एक, और यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर आपने देखा जो गैमिट्स है ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू, तो फीमेल गैमिट है या फिर ओवम है या फिर एग है, तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग आर प्रोड्यूस। कौन से दो डिफरेंट टाइप है, एक के अंदर ए प्लस जेड, दूसरे के अंदर ए प्लस डब्ल्यू, तो ये फीमेल को बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। तो याद रखो जेड 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 डब्ल्यू में फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, तो इस ये फिनोमिना को हम लोग बोल सकते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। लेकिन मेल में क्या है, दो सेक्स क्रोमोसोम वो सिमिलर है जेड जेड, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस जेड एंड ए प्लस जेड, सो स्पर्म इज होमोगैमेटिक। तो जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होगा, तो ये देखो पुनेट स्क्वायर फिर से मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है फीमेल गैमेट मेल गैमेट, तो जहां जहां पे ए ए प्लस जेड जेड आ रहा है, तो ऑब्वियसली जहां पे जेड का दो क्रोमोजोम है, जेड का दो कॉपीज है, तो दैट इंडिविजुअल बिकम मेल। जहां पे जेड डब्ल्यू है तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, फीमेल। तो अगर यहाँ पे फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, मेल इज होमोगैमेटिक, एंड अगेन देर आर 50% ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग मेल एंड 50% ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग फीमेल, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही हो जाता है, मतलब 50-50 चांस है, एक तो मेल हो सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर चार बच्चे हो गए उसमें से दो बच्चे फीमेल होंगे और दो बच्चे मेल होंगे। तो ये था अपना थर्ड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसको बोलते हैं हम लोग हैप्लोडिप्लॉयडी। ये बहुत ही यूनिक मेथड है और ये पाया जाता है हनी बी में। तो अगर आपने ये फ्लो चार्ट देखा है, आपके टेक्स्ट बुक का ही फ्लो चार्ट है, स्क्रीनशॉट है ये, तो ये फ्लो चार्ट में अगर आपने देखा, ये फीमेल है, फीमेल इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज इक्वल टू 32। मेल कैसा है, मेल इज हैप्लॉइड, सो मेल इज हैप्लॉइड, दैट इज एन इज इक्वल टू 16। तो ये जो फीमेल है, जितने भी फीमेल रहने दो, वो वर्कर रहने दो, आपको पता है हनीबी में तीन कास्ट होता है, वन इज क्वीन, क्वीन जो है फर्टाइल, मतलब जो एग्स प्रोड्यूस करेंगे वो क्वीन है, बाकी के जितने भी फीमेल है उनको बोलते हैं वर्कर, और ये वर्कर है वो होते हैं स्टेराइल, मतलब वहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, दो दे आर डिप्लॉयड। और मेल रहता है उसको बोलते हैं ड्रोन, और मेल में क्या है, ऑब्वियसली हैप्लॉयड क्रोमोसोम। तो ये फीमेल है, मतलब क्वीन जो है, जो एग प्रोड्यूस करेगी, जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी, वो गैमेट प्रोड्यूस करती है बाय मियोसिस, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। तो जितने भी एग्स मिलेंगे, ऑल एग्स विल बी हैप्लॉइड, तो एन इज इक्वल टू 16, एन इज इक्वल टू 16। इन केस ऑफ द मेल, जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा दैट इज बाय माइटोसिस, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे क्रोमोजोम नंबर रहेगा एज इट इज, तो एन 16, यहाँ पे भी देखो क्या रह रहा है, एन 16 रहेगा, राइट। तो जब भी ये एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, तो दिख रहा है यहाँ पे एन 16 प्लस एन 16 एक साथ आएंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इंडिविजुअल मिलेंगे ऑल विल बी डिप्लॉयड एंड ऑब्वियसली दे विल बी फीमेल। कुछ कुछ एग्स है, सो दिस इज एग्स राइट, दे आर गोइंग टू ग्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो किस में हो जाएंगे, हैप्लॉयड मेल में। तो व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है, तो ये फिनोमिना को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है, और ये फर्टिलाइजेशन के बिना जितने भी एग्स है, हैप्लॉइड एग है, ऑब्वियसली दे विल कन्वर्ट इनटू हैप्लॉइड मेल। तो ये यूनिक मेथड है जो हनी बी में दिखाया जाता है, और हमने हनी बी में याद रखो फीमेल है, जो फीमेल है जो एग्स प्रोड्यूस करेंगी दैट इज द क्वीन, क्वीन के अलावा कोई भी एग प्रोड्यूस नहीं करता। डिस्क्रिप्शन देखो, टाइप इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड टाइप, यहाँ पे इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है वो डिसाइड करेगा वो मेल है कि फीमेल है। सो फीमेल आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n इज इक्वल टू 32, मेल आर हैप्लॉयड, मतलब फीमेल के पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मेल के पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। फीमेल प्रोड्यूस द हैप्लॉयड एग,
By meiosis. Meiosis is reductional division. Male is going to produce sperm by mitosis. Baragini. Mitosis is equational division. So if the egg is fertilized by the sperm, then zygote develops into the diploid female. Barabar na? N16 plus N16, that become 32. So it can be queen and worker. An unfertilized egg, jape sperm receive nahi hoga, that is going to convert into haploid male. Okay, kaun se process se? Parthenogenesis se. Agar wo diploid female hai, उसको अगर रॉयल जेली के ऊपर फीड किया गया, अभी रॉयल जेली प्रोड्यूस कौन करेगा? ऑल द स्टेराइल वर्कर. तो स्टेराइल वर्कर के एब्डोमेन में एक ग्लैंड है जो क्या प्रोड्यूस करता है? रॉयल जेली. अगर ये रॉयल जेली के ऊपर कोई भी लार्वा को फीड किया, कोई भी फीमेल लार्वा को फीड किया, तो दैट इंडिविजुअल बिकम क्वीन, दैट इज अ फर्टाइल फीमेल. और अदर इंडिविजुअल विल डेवलप इनटू स्टेराइल फीमेल वर्कर. हमेशा याद रहो, हनी बी का एक कोम है, उसके अंदर एक ही क्वीन रहती है. अगर उनको नया कॉलोनी सेटअप करना है तो उनको और एक नए क्वीन की जरूरत पड़ेगी और तभी वो क्वीन प्रोड्यूस होंगी. तो हमेशा याद रहो, एक हनी कोम में एक ही क्वीन रहेगी, विच इज अ फर्टाइल. तो ये बहुत ही यूनिक वे है ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, which is known as haplodiploidy or haplodiploid type. And we are going to talk about environmental sex determination. So, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये worm है, एक marine worm. ये marine worm का नाम है Bonellia viridis. और ये marine worm का आपको दिख रहा है, ये female है. The female has some flask-like structure, right? दिख रहा है यहाँ पे. And then it has got proboscis. This is called as proboscis, right? Female ka size is 10 centimeter. Proboscis can extend up to the 1 meter. So, yahan pe dekho, ye proboscis ka extended region hai. Okay. Aur ye female ke andar kya hota hai? Male is present. Male ka size dekho, only 3 mm. So, male Bonellia live as symbiotic relation. So, ye kya hai? It is live as a symbiotic relation or it is going to live as a parasite. मतलब ये इसके ऊपर ही फीड करेगा, लेकिन एक काम करेगा, द मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म, तो ऑब्वियसली द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बोनेलिया. तो यहाँ पे दिख रहा है, ये बोनेलिया है, ये उसका प्रोबोसिस है, विच कैन बी एक्सटेंड अप टू द 1 meter. ये एक्चुअल फोटोग्राफ है एंड दिस इज कॉल्ड एज अगेन अ पार्ट ऑफ प्रोबोसिस. अभी क्या होता है, जब भी ये लार्वे प्रोड्यूस करेगी फीमेल, ऑब्वियसली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये लार्वे क्या हो जाएंगे? दीज लार्वे विल बी either deposited onto the substratum, मतलब away from the female. So these larvae जो substratum पे deposit हो जाएंगे, okay, उसको हम लोग बोलते हैं that larvae become female. और जो larvae इसके contact में आएंगे, proboscis के contact में ही रहेंगे, so that individual is going to become male. मतलब ये female के contact में जो कुछ है, जितने कुछ आएंगे larvae, वो हो जाएंगे मेल, और जो इंडिविजुअली ग्रो हो जाएंगे, दैट बिकम फीमेल. तो ये एनवायरमेंटल वे ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है, राइट? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन केमिकल आर आल्सो रिस्पांसिबल. सो यहाँ पे देखो, इन बोनेलिया विरिडिस द एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल. एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या? उसका लोकेशन. द सेक्स ऑफ वर्म इज डिपेंड ऑन विच लोकेशन बोनेलिया लार्वा गेट सेटल. मतलब ये लार्वा कहाँ पे सेटल हो रहा है? अगर सबस्ट्रेटम पे सेटल हुआ तो वो फीमेल हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोबोसिस पे सेटल हुआ, दैट इंडिविजुअल बिकम मेल. तो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फीमेल बोनेलिया वर्म हैज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी. यू कैन मेक आउट इट कैन एक्सटेंड ओवर अ मीटर ऑफ लेंथ. दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 meter का लेंथ है, राइट? इफ द बोनेलिया लार्वे गेट सेटल ऑन द सी फ्लोर, सी फ्लोर के ऊपर लार्वे सेटल हो गए, इट बिकम अ फीमेल. मतलब वो भी क्या हो जाएंगे? फीमेल. बट इफ द लार्वे लैंड्स ऑन द फीमेल प्रोबोसिस, प्रोबोसिस पे ही है, एंड देन एंटर इन टू द फीमेल माउथ, माइग्रेट इन टू द यूटेरस. मतलब माउथ में एंट्री लेंगे, उसके बाद में किधर जाएंगे? यूटेरस में जाएंगे, और यूटेरस में जाके वो क्या हो जाएंगे? डिफ्रेंशिएटेड इन टू मेल, एंड मेल विल लिव इन साइड यूटेरस एज अ पैरासाइट, बट इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन. इट इज नॉट टोटल पैरासाइट, ओके? So male lives as a parasite in uterus of female, fertilizing her egg. So ये कौन से environment में रह रहा है, वो decide करेगा उसका sex. मतलब proboscis में है या फिर जमीन पे गिरा है
तो उसके वजह से उसका क्या होगा, सेक्स विल बी डिटरमाइन. तो ये है एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन. तो आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, आज हम लोगों ने स्टडी किया इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है, किसने डिस्कवर किया, हेनकिंग ने. उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सएक्स एक्सओ मेथड, देन एक्सएक्स एक्सवाई मेथड जिसका एग्जांपल ह्यूमन है, ड्रोसोफिला है. देन वी हैव डिस्कस जेड 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 डब्ल्यू मेथड जो बर्ड्स में है. उसके बाद में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, राइट, यस और नो, एज वेल एज वी ऑल्सो डिस्कस डिप्लॉयडी इन हनी बी. तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने ये लेक्चर में कवर किया. सो ये पूरा लेक्चर एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन है, कोई भी सेक्स डिटरमिनेशन रहने दो, उसके ऊपर बेस है. तो ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी में नहीं है एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, लेकिन आपके बोर्ड में एक एक ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया है उन्होंने. ओके तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा, राइट. आप पुनेट स्क्वायर यूज करो, वो आपको ज्यादा इजी पड़ता है, वहां पे मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम रहता है. तो उसके वजह से मैंने यहाँ पे पुनेट स्क्वायर क्रॉस दिखाने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज किया है. तो ऐसे लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो, सो दैट जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय.